साइफर ट्राइव स्क्रीनिंग। तो गाइज हमारे चैनल का जो नेम है वो चेंज हो चुका है, तो आज से वीकली 3 से 4 वीडियो पबजी गेम प्ले के मैं डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो गाइज ये हमारा पहला गेम प्ले वीडियो है, तो इसकी वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही लो है। तो गाइज मैं अगली बार ध्यान रखूँगा कि अच्छी वीडियो क्वालिटी हो, आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पोचिंग की जाएंगे। तो गाइज जैसे ही हम पोचिंग की पर लैंड हुए, मेरी गेम बहुत ही लैग हुई लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे मिल गई SLR और M416, तो जो कि बहुत ही अच्छी गन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, भी यूज़ करता हूँ। तो आप लोग यहाँ से गेम प्ले को एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ लूट ही दिखा रहा है, फाइट तो दिखा नहीं रहा है। तो गाइज चलिए मैं आपको सीधे फाइट तक लेके जाता हूँ। यहाँ पे मेरे टीममेट ने बोला कि यहाँ पे पूरी स्क्वाड है, तो मैंने कहा चलो रश कर देते, उसमें क्या है। तो यहाँ पे हम रश करने तो आ गए। अभी यहाँ से जैसे ही मेरे टीममेट ने पिक करने की कोशिश की, उसे वहाँ पर नॉक कर दिया उन लोगों ने, तो मैंने उसे रिवाइव कर दिया। मुझे पक्का पता था कि वो लोग रश ज़रूर करेंगे, हम पे पूरा करेंगे ज़रूर। तो ऐसे ही रिवाइव ये कंप्लीट हुआ, मैं TPP लेने लगा यहाँ से कि बंदे कहाँ जा रहा है और क्या कर रहे हैं। तो मेरे जो टीममेट है उसने एक को नॉकआउट किया था पीछे, तो अभी मेरा भी टीममेट नॉकआउट है, मैंने एक को स्पॉट कर दिया है, मैंने उसे नॉकआउट कर दिया। अब मैंने मेरे टीममेट को बोला तो इसको रिवाइव कर, मैं को जिसको मैंने नॉकआउट किया है उससे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे TPP से उसे देख रहा था वो कहाँ जा रहा है, तो मैंने उसे ख़त्म करने की कोशिश की, वो बच गया। फिर मैंने सोचा ये छोटे घर के पीछे आ जाता हूँ। अब मुझे पक्का यकीन था अगर मैं ये वॉल क्रॉस करूँगा तो पक्का वो लोग मुझे मारेंगे वो हाउस में से। तो मैंने सोचा इस वॉल के क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पर आके उसको मार सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से आके उसको ख़त्म कर दिया। तो अब उन लोगों के पास सिर्फ 3 बंदे थे, तो यहाँ पे मैं फिर से मेरे टीममेट के साथ चला जाता हूँ छोटे घर के पीछे। तो यहाँ पे मेरा जो टीममेट है उसने M416 से उस घर पे किसी एक को नॉक किया, तो उस वो बोल रहा है मेरे को कि चलो हम रस मार देते। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, रस मार देते, उसमें क्या है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी हलचल देगी, दो जो है वो क्लोज हुआ, मतलब कि अभी वो बंदे ग्राउंड फ्लोर पर ही है लेकिन मुझे यहाँ पर दिखे नहीं। तो उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया और साथ में उसने मुझे भी नॉक कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास भी बंदों की कमी थोड़ी है। मेरा जो एक बंदा आया उसने उसे किल नॉक कर दिया, मैंने बोला उसको किल कर दे फिर मुझे रिवाइव लेना, उसने किल कर दिया और उसने मुझे रिवाइव दे दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ, अभी उन लोगों के पास 2 बंदे है, तो मैं रिवाइव होने के बाद मैं फर्स्ट एड मार रहा था, और जैसे ही मैं फर्स्ट एड मार रहा था यहाँ पे गोलियाँ चलने लगी, मतलब कि उनका एक बंदा जो है नीचे आ गया है। तो मैंने निकल के हम सब लोग उस पर टूट पड़े और उसको भी हमने नॉक कर दिया और ख़त्म कर दिया। तो अभी सिर्फ उनके पास एक ही बंदा है, वो ऊपर कैंप कर रहा है अभी। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर लूट किया जाए, फिर बाद में उसको ख़त्म कर देंगे। तो अभी तो मेरे पास ज़्यादा अच्छे लूट नहीं जी, एकेएम जो मेरी फेवरेट गन है वो मेरे पास आ गई थी। अब थोड़ा मैं बोलता हूँ कि हिलअप कर लिया जाए, वो बंदा अकेला ऊपर है। तो पता नहीं इसके बाद क्या हो गया, वो बंदा जो ऊपर था कैंप कर रहा था वो अचानक नीचे कूद गया। नीचे कूदने के बाद हमारे पास शूटिंग आया, तो मेरे बंदे ने उसको बाहर ही किल कर दिया। तो गाइज यहाँ पे कोचिंग की पे हमारे साथ 2 स्क्वाड आई थी, दोनों के दोनों स्क्वाड को पेलने के बाद, मार देने के बाद हम लोगों ने तय किया कि अब कोचिंग की के बाद हम जाएंगे मिलता, क्योंकि जोन 1 पे
हो रहा है। तो ये लूट हो जाने के बाद हम लोग जा ही रहे थे मिलता। तो गाइस मिलता पे आ जाने के बाद मेरे पास गोलियां ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मेरे टीममेट्स के पास से थोड़ी यार गोली ले ली। तो अब यहाँ पे मेरा जो टीममेट है वो अभी अभी जोन में से आया था, उसके पास मेडिसिन नहीं थी तो मैंने उसको बैंडेज दे दी। तो गाइस यहाँ पे हमारा सैंडविच टाइप हो गया था, क्योंकि हमारे साइड में भी बंदे है और हम सामने रोड के पास भी बंदे है। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने कवर लेने को बोला कि सब लोग कवर में रहना, अभी अभी फाइट नहीं लेनी है हमें। तो मैं यहाँ पे कुछ सामने देख रहा हूँ कि कोई बंदा साफ तो नहीं बना हुआ जो हमारे पर नज़र रख रहा है, लेकिन कहीं नहीं है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने M24 का सप्लाई मुका है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास 4x मैं ले लेता हूँ। तो मैंने उन लोगों को बोला तुम लोग SLR ले लो, स्कोप मिल जाए तो चलाना। तो मैंने यहाँ पे M24 ले ली है। तो SLR को मैं रख लिया है, मेरे टीममेट्स ने आके ले भी ली SLR। तो अभी जो जोन है वो मिलता के उस पार था और सामने बंदे थे रोड के उस पार। तो मैंने मेरे टीममेट्स को बोला कि अभी फाइट लेने से कोई फायदा नहीं, अगर हमने फाइट ले ली तो हमें जोन में पहुंचने की दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम मिलता के पीछे से फाइट लिए हुए हम जोन में निकल जाते हैं। तो हम निकल पड़े मिलता के पीछे से, टीममेट्स के साथ मैं निकल पड़ा। यहाँ पे मैं पीछे से जोन में जा रही रहा था और हम जैसे ही जोन में जा रहे थे मेरे को रोड के उस साइड पे एक ड्रॉप पड़ा हुआ मिला, जो कि अभी मुझे पता था कि वो लूट लिए है किसी ने। तो सामने से घर पे से मेरे ऊपर स्नाइपर हुई, मुझे पता था वहाँ पे एक पूरा स्क्वाड है। खैर यहाँ पे ड्रॉप में से तो मुझे सिर्फ एक हेलमेट मिला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो मुझे वहाँ पे स्क्वाड पूरी पे पूरी नज़र आ रही थी। अब मैं कवर ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं उन लोगों को मार सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद पहले मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि मेरे टीममेट को पता चले कि यहाँ पे एनिमी है। यहाँ पे पूरा स्कॉट था। अब मेरा एनिमी मेरा जो टीममेट है वो मेरे पास स्कोप मांग रहा है, लेकिन मेरे पास 4x के अलावा कोई नहीं था। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तू M24 चला। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई सांप तो नहीं बना हुआ सामने, लेकिन कोई नहीं था। तो अब बंदे थे उस घर में, जो कि चार बंदे उस घर में थे, स्क्वाड था उनका। तो मैं पिक कर रहा था, उनको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। मेरे फ्रेंड ने फिर से मार्क मूका, अपने मुझे विंडो पे एक बंदा दिखा, मैंने उसको बॉडी शॉट दिया। लेकिन मैं जैसे ही दूसरी बार एमिंग करने गया, मेरे डिस्प्ले को पता नहीं पसीना हो गया होगा कि मैं एमिंग नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं फिर से एंगल लेने लगा यहाँ से। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों की बग्घी को पंचर कर दिया जाए, क्योंकि अगर जोन हमारे फेवर में आ गया तो उन लोगों को जोन में आने की दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फिर से एंगल लेने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे मुझे फिर से विंडो पे एक बंदा दिख गया, मैंने उसको भी बॉडी शॉट दिया। वो यहाँ पे तो बच गया, वो दोबारा नहीं आया। लेकिन मेरा जो टीममेट है वो उनके घर के सामने ही लेट गया था, प्रोन हो गया था। मुझे पता था वो पक्का नॉक होगा और वो वहाँ से मर गया, लेकिन उसको जिसने मारा था मैंने उसको बॉडी शॉट भी दे दिया था। अब मुझे लग रहा था कि मुझे जोन में जाना चाहिए, क्योंकि जोन ओपन ही होने वाला था। अब जोन न्यू जोन पड़ गया था, इसलिए मुझे जोन में जाना पड़ा यहाँ से। तो यहाँ से मैं जैसे ही जोन में जा रहा था, तो जोन में जा ही रहा था कि मुझे सामने से रीच पर से बॉडी शॉट मिल गया, वो तो मैं बच गया। तो अभी मैं यहाँ पे इस स्टोन के पास कवर लूँगा। तो यहाँ पे ये स्टोन इतना अच्छा कवर है हमारे पास कि हमें रीच वाले बंदों से भी कवर दे रहा है और बिल्डिंग वाले बंदों से भी कवर दे रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो टीममेट वो रीच वाले बंदों को मार रहा था, तो उसने DP की गोली चलाई। तो मुझे पक्का यकीन था कि वो बंदे पिक जरूर करेंगे यहाँ पे, तो वो गिली शूट यहाँ पे पिक कर रहा था, मैंने उसको हेड टू हेड दे दिया। तो अब मुझे पक्का यकीन था कि दूसरा बंदा उसको रिवाइव करने ज़रूर आएगा। तो मैंने सोचा उतनी देर पहले हम थोड़ा हील अप कर ले, थोड़ा ड्रिंक पी ले। तो यहाँ पे मैं ड्रिंक जैसे ही पी लिया, मैं फिर से एंगल लिया और वो बंदा उसको रिवाइव कर रहा था, तो मैंने उसको भी हेड टू हेड दे दिया। तो यहाँ पे उनके दो बंदे नॉक थे, मैं तीसरे बंदे को भी देख लिया था वहाँ पे विंडो के पास, तो मैंने उसके ऊपर शॉट लिया। तो
शायद वो बच गया क्योंकि उसके पास बॉडी शॉट लगा उसको। तो अब बंदा तो आ जा, अब दूसरा शॉट मैं मिस नहीं करूँगा, उसको भी मैंने हेड टू हेड दे दिया। तो यहाँ पे तीन बंदे उनके नॉक थे, तो मैंने मेरे दो नंबर के जो टीममेट है उसको बोला कि तू रस मार दे, यहाँ पे मैंने तीन बंदे को नॉक किए है। तो यहाँ पे मेरा बंदा जो है उसने रिच पे भी एक को नॉक किया था। तो अब मैं यहाँ से एनिमी हेड करने वाला हूँ, को थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि मेरे बंदे को पता चले कि यहाँ पे मैंने तीन बंदे को नॉक किए है। तो अब मुझे यहाँ से लग रहा था कि अब हमें जोन में जाना चाहिए, तो मैंने मेरे चार नंबर जो टीम में थे उसको मैंने बोला कि चल अब हम भी जोन में जाते हैं। तो हम यहाँ से जोन के लिए निकल पड़े। तो मैं जोन में जा ही रहा था कि हमारे जो दो नंबर के टीम में थे उसने कॉकटेल डाल के वहाँ पे जो मैंने नॉक किया था बंदे उन लोगों को नॉक कर दिया। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, मेरे डिस्प्ले पर पसीने की वजह से इधर उधर फायर होने लगे। तो मैंने सोचा इस छोटे गर्ल का कॉल ले लेता हूँ पहले। तो उन लोगों ने मेरे दो नंबर के टीममेट को नॉक कर दिया। तो अब मुझे पता था कि आधा गर्ल जो है वो जोन में जा चुका है, तो वो लोग ये पहले विंडो के पास ही आएंगे। तो मैंने वहाँ पे कॉकटेल डाल लिए। अब मैं यहाँ से सीधा अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए निकल पड़ा। तो मैं यहाँ से जैसे ही रिवाइव कर रहा था तो मुझे उन लोगों का किल मिल गया, यानी कि यहाँ पे जो पूरा स्कोर था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से जैसे ही रिवाइव हो गया, मैं रिवाइव हो जाने के बाद यहाँ से निकल ही रहा था, यहाँ से जैसे ही निकला मेरे बंदे के मेरे जो फ्रेंड है उसको खुलिया पड़ी, तो मैं यहाँ से सो गया। तो अब जो रीच वाले बंदे थे वो मुझे दिख रहे थे जोन में आते हुए, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया क्योंकि हम लोग जोन में नहीं थे, हमें अभी फाइट नहीं लेनी है। लेकिन मेरे बंदे मान ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो तो सिर्फ अपनी फाइट में बिजी थे। मैंने बोला उन लोगों को कि हमें जोन में जाना है, स्मोक करो तो हम जोन में जाएंगे। तो भैया वो लोग तो फाइट लेने में बिजी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही स्मोक कर दूँ। तो मैं जैसे ही स्मोक करने गया, पहले तो एनिमीज का बॉम्ब हमारे ठीक आगे फटा। मैंने सोचा अब तो स्मोक करना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे दो स्मोक डाल दिए। तो दो स्मोक डाल देने के बाद जैसे ही स्मोक हुआ, हम लोग ये वॉल क्रॉस करके सामने चले गए। मैं यहाँ पे वॉल क्रॉस करके सो गया, प्रोन हो गया। तो अब मुझे एक और स्मोक की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे सामने वाले ट्री का कवर चाहिए था। मैंने ये स्मोक कर दिया और एक स्मोक में आगे कर देता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे जो रोड है वो क्रॉस भी करना है सामने। तो मैंने यहाँ पे एक और स्मोक कर दिया और यहाँ पे मैं ट्री का कवर लेने चल पड़ा। यहाँ पे मैं प्रोन हो गया फिर से। अब मैं जा ही रहा था कि मेरे ऊपर भी जोन आ रहा था धीरे धीरे। तो मेरे एक एक करके बंदे सब मर रहे थे मेरे टीममेट्स। तो यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे टीममेट्स मर गए, अब मैं ही अकेला था। ये जो मेरा स्मोक था वो मुझे रोड को क्रॉस कर लिया, उन्होंने मुझे हेल्प तो हो गया, यूज तो हो गया वो स्मोक। अब ये जो स्मोक है वो उन लोगों ने करे थे, मुझे पक्का यकीन था कि वो स्मोक के पीछे ही होंगे। तो मैं यहाँ से प्रोन करके ऊपर तो आ गया और मैंने दोनों को स्पॉट भी कर लिया, वो रहे वो दोनों स्मोक के सामने। तो मैंने ये पहले एक को नॉक किया और दूसरे को किल ले लिया। तो यहाँ पे हमें मिल गया चिकन डिनर। तो गाइस बस आज के लिए इसकी वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के बाद बेल पे क्लिक करना भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए गेम के वीडियो लाते रहने वाला हूँ। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Easy go, 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 go.